हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में। सो इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन लॉ इन इंडिया, डिज़ाइन एक्ट 2000, उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिज़ाइन एक्ट 2000, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, इसमें हम बात करेंगे कि इसकी क्या नीड है, इसकी क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट कैन एक्सक्लूड फ्रॉम स्कोप ऑफ डिज़ाइंस, ओके, हु कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्स ऑफ डिज़ाइन, प्रोसीजर्स क्या है, कैंसिलेशन क्या है, उसकी पायरेसी और इन्फ्रिंजमेंट क्या है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो हमारा काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में। देखिए, आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि हम आज में क्या बात करने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की पर्टिकुलर डिज़ाइन के बारे में, या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की पर्टिकुलर डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बने हैं उसे आज हम डिस्कस करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन एक्ट कहते हैं। देखिए, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो हम बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन देखते हैं जो हमें बहुत क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब उन पर्टिकुलर डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई और उसको यूज़ नहीं कर पाए। देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एक ज्वेलरी शॉप गए, ठीक है, अब उसमें आपने बहुत सारी ज्वेलरीज देखी और ये जितनी भी ज्वेलरीज कैसी है, सेम क्वालिटी की है, ठीक है, और इनकी प्राइस भी कितनी है, सेम है, ठीक है। पर अब आप कौन सी ज्वेलरी चूज़ करोगे जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर ज्वेलरी का डिज़ाइन है वो किसका होगा, पर्टिकुलर शॉप से बिलोंग करता होगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर शॉप से बिलोंग कर रहा है तो इस शॉप को उस डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ क्या होगा, कोई दूसरी शॉप इसको इमिटेट करेगी और सेल करेगी तो इस शॉप का तो लॉस हुआ ना। तो इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो डिज़ाइन को किस लॉ के अंडर प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो डिज़ाइन एक्ट के अंडर क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें क्या क्या आता है, तो इट कैन बी कोई भी आर्ट हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, या ग्राफिक्स हो सकता है, जो किसी भी प्रोफेशनल या किसी भी डिज़ाइनर के द्वारा डिज़ाइन किया गया हो, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हम यहाँ डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, पर डिज़ाइन होता क्या है, ठीक है, डिज़ाइन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए, वॉट इज़ डिज़ाइन, तो एज पर द डिज़ाइन एक्ट, डिज़ाइन एक्ट में डिज़ाइन को कैसे मैंशन किया गया, तो इट कैन बी अ शेप, ये किसी भी तरीके का कोई शेप हो सकता है, कोई कॉन्फिगरेशन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, ऑर्नामेंटेशन और कंपोजिशन ऑफ लाइन हो सकती है, ठीक है। किसी भी आर्टिकल में अगर आपने किसी यूनिफॉर्म में कलर अप्लाई किया है, ठीक है, वो टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि डिज़ाइन क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी आर्टिकल इस फॉर्म में है तो आप उसे क्या कहेंगे, उसकी डिज़ाइन कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने देखा कि डिज़ाइन के अंदर क्या क्या आता है, बट क्वेश्चन इसकी उसमें क्या नहीं आता है, तो मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके अंडर नहीं आता, ठीक है। अब एक चीज़ आपने और देखी होगी, ट्रेडमार्क है ना, कि हम ट्रेडमार्क, किसी इंडस्ट्री का कोई ट्रेडमार्क होता है तो क्या वो भी डिज़ाइन के अंदर आता है, नहीं। देखिए, कोई भी ट्रेडमार्क, कोई प्रॉपर्टी मार्क और जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं वो डिज़ाइन के अंदर नहीं आते। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आएगा, आर्टिस्टिक वर्क कॉपीराइट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ आती है वो कभी भी डिज़ाइन एक्ट के अंदर नहीं आता, ओके। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अगर एज़ पर द वीपो के अकॉर्डिंग देखें कि एज़ पर द वीपो इसका क्या डेफिनेशन है, तो एज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इन अ लीगल सेंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कंस्टिट्यूट्स द ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट, मतलब किसी भी आर्टिकल का हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, उसका ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल फीचर और टू डायमेंशनल फीचर। अगर थ्री डायमेंशनल फीचर में बात करते हैं तो उसकी शेप की बात करेंगे, और टू डायमेंशनल फीचर में हम बात करते हैं कि उनकी लाइंस और कलर्स का क्या पैटर्न है, किस फॉर्म में वो है, ठीक है। तो ये हमने बात करी कि डिज़ाइन क्या होता है, वीपो के अकॉर्डिंग लीगली डिज़ाइन को कैसे मेंशन किया गया है, ओके। अब हम देखते हैं इसके सेलियंट फीचर्स ऑफ डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो डिज़ाइन एक्ट है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसमें हमने दो चीज़ देखी, एक थ्री डायमेंशनल फीचर में उसका शेप देखा, सरफेस देखा, है ना, और टू डायमेंशनल फीचर में हमने क्या देखा, पैटर्न हो सकता है, लाइन्स हो सकते हैं या उसमें कलर्स हो सकता है। बट क्वेश्चन इसके डिज़ाइन किस किस चीज़ को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में डिज़ाइन एक्ट अप्लाई होता है, जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है जिसकी कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन हो, है ना, कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वॉच, ज्वेलरी, हाउसवेयर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम देखते हैं कि जो हमारे फ़ोन का आता है, अलग 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई व्हीकल हो सकता है और आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिज़ाइन क्या होती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ प्राइमरीली फॉर एस्थेटिक फीचर्स, कि वो कितना खूबसूरत है, हम ये क्या है उसका प्राइमरी फीचर है, ठीक है, वो हम इसमें क्या देखते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे डिज़ाइन लॉ इन इंडिया के बारे में। तो देखिए, जो डिज़ाइन एक्ट आया था 2000 में आया था और डिज़ाइन रूल 2001 में आया था। अगर हम इनके एनफोर्समेंट की बात करें तो डिज़ाइन एक्ट का एनफोर्समेंट हुआ था 25 मई ऑफ 2000 एंड और रूल का जो एनफोर्समेंट हुआ था वो कब हुआ था, 11 मई ऑफ 2001। देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाएंगे कि बताइए ये कौन से ईयर में आया था और साथ में इनका एनफोर्समेंट कब हुआ, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन एक्ट 2000 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो आया था डिज़ाइन एक्ट आया था 1911 में, उसको फिर रीडिज़ाइन करके जो हमारा नया एक्ट लागू किया वो कौन सा आया, डिज़ाइन एक्ट 2000। और आज हम जो मानते हैं वो जो भी डिज़ाइन एक्ट किसके अंडर आएगा, इसके इस लॉ के अंडर आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये किसी भी डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करता है या फिर हम बोलते हैं किसी भी एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बात की हमने डिज़ाइन एक्ट 2000 के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन एज पर डिज़ाइन एक्ट 2000, ठीक है, कि डिज़ाइन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। तो मैंने आपको बताया, इट कैन बी अ शेप, पैटर्न, कॉन्फिगरेशन, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ कलर्स, लाइन विच इज़ अप्लाइड इन थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल और इन बोथ फॉर्म्स, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो किसी भी टाइप का शेप, पैटर्न, कॉन्फिगरेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन ना कभी कभी डायरेक्टली डेफिनेशन से ही पूछे जाते हैं, तो आपको डेफिनेशन सही तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम मिस्टेकनली कुछ अगर गलत समझ लेते हैं तो फिर हम क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिज़ाइन एक्ट, कि भाई हमने ये जो एक्ट बनाया है उसके हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमने इसको बनाया है। तो देखो, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने बात की थी कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें यही है कि हम इसकी डिज़ाइन को क्या करें, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो भी न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन है वो कॉपी नहीं हो। क्यों, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे ज्वेलरी शॉप का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर इस पर्टिकुलर शॉप की अगर इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को किसी और ने कॉपी कर लिया, तो ऑब्वियसली वो भी इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो जो क्रिएटर है, उसका ओरिजिनल क्रिएटर है, उसको तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिल ही नहीं पाएगा। तो इसका मेन और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कि हम प्रोटेक्ट करें न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन को, ताकि कोई इसको कॉपी नहीं कर पाए, ताकि कोई और इससे बेनिफिट नहीं ले पाए, ठीक है। जिसको ओरिजिनल डिज़ाइनर होता है वो इससे क्या कर सकता है, बेनिफिट और रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए, ओके। अब हम आगे देखते हैं और क्या है। तो देखिए, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, हम जानते हैं कि वो क्या करता है, कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करता है ऑब्वियसली, और क्या करता है, उनकी कमर्शियल वैल्यूज पर्टिकुलर आर्टिकल की बढ़ाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे कार में भी बहुत सारी कार आती है, बहुत सारे अलग 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 उसके वो आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, वो हमको अट्रैक्ट करती है, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ गई ना। तो इस वजह से डिज़ाइन एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी आँखें लगा के रखते हैं कि नहीं नहीं इनका, अगर आपने आपके डिज़ाइन एक्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो क्या करते हैं, आपके डिज़ाइन को यूज़ कर लेंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, उन पे कुछ केस नहीं करते सकते। क्यों, क्योंकि आपने अपने डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इन सभी चीज़ों के कारण, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को जब हमने स्टडी किया, फिर हमने देखा कि नहीं, डिज़ाइन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ओके।
तो ये हमने बात करी इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन की, इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी ज़रूरत क्या है, कि हम हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, अगर इसका किसी ने इन्फ्रिंजमेंट किया है, किसी ने गलत यूज़ करा है, तो ऑब्वियसली हम इस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी है आप उसको सेल भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मेनली कितने समय के लिए होता है, 10 ईयर्स के लिए होता है। फिर आपको उसको क्या करना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोट करके एक चीज़ मेंशन की है, इफ़ द फी फॉर एक्सटेंशन इज़ नॉट पेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन द पीरियड ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन दिस राइट विल बी सीज। कि अगर आपने फीस पे नहीं की है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। सेकेंड, यहाँ पे एक और प्रोविजन दिया है, देर इज़ अ प्रोविजन फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ लैप्स डिज़ाइन इफ़ द एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन इज़ फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन इन अ प्रेस्क्राइब मैनर। कि अगर एक साल, मतलब जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ, तो अगर आप उसको एक साल के पहले पहले उसमें फ़ीस भर देते हैं तो आपका जो डिज़ाइन का रीस्टोरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, पर वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको भाई एक साल के अंडर ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल बाद होश आ रहा है कि नहीं अब करना है, तो ये ऐसा नहीं होता है। ओके, अब चलिए हम आगे देखते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। क्या मैं कोई भी डिज़ाइन बना दूंगी तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, आपकी कुछ नोवेल्टी होना चाहिए उसमें, कुछ ओरिजिनलिटी होना चाहिए। सेकेंड है कि ये पहले से ही पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पहले से ही पब्लिक को पता है तो फिर आपने उसमें क्या ऐसा नया लाया, वो तो कोई भी बोल सकता है कि ठीक है ये तो हमारा डिज़ाइन है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि इसमें ओरिजिनलिटी होना चाहिए, नॉट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक। ठीक है, है ना। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पर वो किसी भी फॉर्म में भी पब्लिक पर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड जो हम बात करते हैं कि भाई वो दूसरे डिज़ाइन से अलग होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज़ कि आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो और इसका डिज़ाइन और उसका डिज़ाइन सेम है, तो फिर कैसा होगा? मतलब इन दोनों डिज़ाइन में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन तो होना चाहिए, तभी तो हम उसको डिज़ाइन एक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी ऑब्सीन मैटर का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट बी अ मियर मैकेनिकल कॉन्ट्रीवेंस, बी अप्लाइड टू एन आर्टिकल एंड शुड अपील टू द आई, नॉट बी कॉन्ट्रारी टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को भी ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी डिज़ाइन इन सभी रूल्स को फॉलो करती है तो आपकी डिज़ाइन को डिज़ाइन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कोप ऑफ डिज़ाइन। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन कैरेक्टर्स है, आर्टिकल्स है, जिसको आप डिज़ाइन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या है, बुक्स, जैकेट्स, कैलेंडर, सर्टिफिकेट्स, लेबल्स, टोकन कार्ड्स, कार्टून्स, इन सभी को मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको देख लीजिए और अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि हाँ आप इन सब चीज़ों को डिज़ाइन एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर दी, जैसे बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, वेरिएशंस कॉमनली यूज्ड इन ट्रेड्स, ठीक है, मियर चेंज इन साइज ऑफ आर्टिकल्स, फ्लैग्स, एम्ब्लेम्स और साइन ऑफ एनी कंट्री, लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं हु कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन, है ना। देखिए, हमने देखा था कि डिज़ाइन कैसी होना चाहिए, हमारे पास दो कंडीशन होना चाहिए कि वो ओरिजिनल होना चाहिए और अनपब्लिश्ड होना चाहिए। ठीक है, बट क्वेश्चन इज कि कौन करेगा, कौन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एज पर सेक्शन 2, इज द ऑथर ऑफ द डिज़ाइन एक्वायर्ड डिज़ाइन फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन एंड एनी पर्सन टू हुम द डिज़ाइन हैज़ बिन डिवॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉपर्टी, यही सब पर्सन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बार बार यहाँ पे एक टर्म मेंशन कर रहे हैं कि वो ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल का क्या मतलब हो रहा है? देखिए, ओरिजिनल का मतलब हो रहा है हम ऐसी डिज़ाइन जो अपने आप में कैसी हो, नोवेल हो, है ना, कुछ न्यू हो उसमें। ऐसा नहीं हो कि वो पहले से हमें पता है, आपने कुछ भी ऐसा कर दिया है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है और आपने उसको ला दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ नोवेल्टी होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल से मतलब यहाँ पे हम नोवेल्टी का मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा हु कैन अप्लाई, यहाँ पे ओरिजिनल का मतलब हमने देखा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे रजिस्टर ऑफ अ डिज़ाइन, आप इसको कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं,
तो देखिए आप पेटेंट ऑफिस में इसको डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं, जो काम है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे जो है रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या होता है इसमें, डिज़ाइन नंबर्स मिलते हैं आपको, डेट ऑफ फाइलिंग, रेसिप्रोसिटी डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड सच अदर मैटर्स वुड अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ प्रॉपर्टीयरशिप ऑफ द डिज़ाइन। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप उसको डेटा को आपके डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और आगे चीज़ आती है हमारे पास, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसकी प्रोसीजर क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या होते हैं, नंबरिंग और डेटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। दो चीज़ होती है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन आता है और आपका ऑब्जेक्शन नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, सीधे से उसका एक्सेप्टेंस होगा, नोटिफिकेशन होगा जर्नल ऑफिस में और सॉरी ऑफिशियल जर्नल में, और क्या होगा, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। बट क्वेश्चन इज कि अगर आपका ऑब्जेक्शन आ गया तो क्या होगा, उसको री एग्जामिन किया जाता है और एक्सेप्टेंस कर लिया जाता है। और फिर भी अगर क्या हो रहा है कि भाई वो फेल हो गया है, अगर फेल हो जाता है तो क्या होता है, उसकी हियरिंग करते हैं, हियरिंग करने के बाद उसका रिफ्यूज़ करते हैं, फिर अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो अपील की जाती है हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर अलावेंस ऑफ अपील के केस में क्या होता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होती है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है कि हमें अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमें क्या क्या करवाना होता है, ओके। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। देखिए डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो डिज़ाइन है उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो है आपको 1500 रुपीज़ को जो है फ़ीस पे करनी पड़ती है। बट आप जो भी डिज़ाइन है, आप वो किसी के डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों करवाओगे, ठीक है। तो पहला ये है कि अगर वो प्रीवियसली कहीं रजिस्टर्ड है तो आपकी डिज़ाइन क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दैट इट हैज़ बिन पब्लिश्ड इन इंडिया और एल्सवेयर प्रायर टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो कहीं ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर आपकी डिज़ाइन न्यू नहीं है, जैसे कि मैंने आपको ओरिजिनल की बात करी थी कि यहाँ आप क्या देखते हैं, ओरिजिनलिटी नहीं है, तो भी कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेबल नहीं है और लास्ट की वो क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2 के अंडर अगर वो नहीं आती है तो आपके जो डिज़ाइन है उसका क्या हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी हमने कहा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, ओके। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं, पायरेसी के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर किसी भी डिज़ाइन का कॉपीराइट मिल चुका है तो फिर आप उसका यूज़ नहीं करते। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको उसकी परमिशन लेना पड़ती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं इन्फ्रिंजमेंट की, तो व्हाट आर इट्स बेसिस। तो देखिए इसमें मेनली 3 इसके बेसिस होते हैं। फर्स्ट इज टू अप्लाई द डिज़ाइन और एनी फ्रॉडुलेंट इमिटेशन ऑफ इट टू एनी आर्टिकल फॉर सेल, कि अगर आप क्या करते हो उसका इमिटेशन करते हो सेल करने के पर्पज से, है ना। नेक्स्ट जो क्या है, टू इम्पोर्ट फॉर सेल एनी आर्टिकल टू विच द डिज़ाइन और फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन ऑफ इट हैज़ बिन अप्लाइड। थर्ड इज टू पब्लिश और टू एक्सपोज फॉर सेल नोइंग दैट द डिज़ाइन और एनी फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन ऑफ इट हैज़ बिन अप्लाइड टू इट, ओके। तो ये अभी हमने बात करी उसके इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने किसके बारे में बात करी, आज हमने बात करी डिज़ाइन एक्ट के बारे में, ठीक है। डिज़ाइन एक्ट या जिसको हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट कहते हैं 2000, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि डिज़ाइन एक्ट क्या होता है, उसमें हमने देखा कि डिज़ाइन क्या होता है, किस किस चीज़ के अंडर आता है, क्या इसमें नहीं आता है, ठीक है। इस पर हमने क्या देखा, ये कितने टाइम के लिए हो सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसकी क्या इन्फ्रिंजमेंट है, क्या इसकी पायरेसी है, इन सभी जो मैटर्स है उसको हमने आज बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।